हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी। तो ये मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है। तो इस फर्स्ट व्लॉग में मैं आपको आज ऐसी जगह लेने जा रहा हूँ जिसे देख के आप कहेंगे कि वाओ, इट्स वंडरफुल। तो वो जगह का नाम है वैष्णा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो मैं आज अपने कजन्स के साथ वहाँ घूमने जा रहा हूँ। तो हम जो वॉक होगी वो बाय जंगल होके जाएगी। तो हम आपको साथ साथ उस ट्रेल के बारे में बताते रहेंगे किस तरह वहाँ जाना है। और अभी मैं हूँ धारा गांव में। ये धारा गांव जो है ये मेरा गांव है और ये रोड से लगभग 12 किलोमीटर दूर मध्यवर्ती की तरफ होता है, समरकोट की तरफ होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं आपको छोटा सा लोकेशन दिखा दूंगा, मुझे लगता नहीं शायद आपको दिख जाए। तो सामने आप देख सकते हो एक पार्क की तरफ, वहाँ पर है वैष्णा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जहाँ हम जाने वाले हैं। तो गाइस फॉलो। गाइस, जो आप अभी घर देख रहे हो वो हमारा घर है। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया था ट्रैवल। एक्चुअली ट्रैवल का जो रिकॉर्डिंग था वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हम यहाँ से नीचे इस तरफ आए। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बीच में एक दुकान आई थी, वहाँ दुकान पर हमने थोड़ा सा सामान लिया खाने के लिए। उसके बाद हम नीचे की तरफ आए। तो अभी हम जो यहाँ पे एक छोटा सा नाला है वहाँ पहुँचने वाला है। उतराई का जो पार्ट था वो वहाँ तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमने चढ़ाई वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि इधर इसी जंगलों में वो रास्ता जाता है। तो गाइस आप देखते रहिए हमारे इस खूबसूरत सफ़र को। ओके गाइस, तो अभी हम इस वक्त जंगल में पहुंच चुके हैं। तो आपको दिखाता हूं मैं, हम उस तरफ से आए थे, लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अभी तो हमें सिर्फ 10 मिनट लगे यहां पहुंचने में। तो अभी हमने बहुत बड़ा सफ़र तय करना है और
तो इस तरफ हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जो मेरा बाकी का ग्रुप है वो काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है, तो हम भी अभी गाइस इस तरफ ही जाएंगे। तो चलते चलते मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, वैसे तो ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, पर उसके बाद इस पर बहुत रिनोवेशन का काम हुआ, तो देखने को जगह बहुत खूबसूरत है, खासकर कि गेस्ट हाउस के चारों ओर जो लॉन है वो भी बहुत प्यारा है, और हमारे दोस्त वहाँ है, वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये जगह है जहाँ हम जा रहे हैं, छोटा सा व्लॉग है, पहला व्लॉग है, तो सोचा पहला व्लॉग में कुछ अच्छा दिखाऊं, इसलिए मैंने सोचा, हमने प्लान कर दिया कि हम बछला फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जाए। इसके बाद मैं जब भी नए नए वीडियो आपके सामने लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं कुछ हटके डालूंगा। गाइस अभी चलते हैं, अभी टाइम बहुत लगेगा और हमारे पास टाइम ही की तो कमी है, 12 बज चुके हैं, अभी जाना है, वापस आना है, क्योंकि दिन छोटे हैं, दिसंबर का महीना है, तो रात होने में भी टाइम नहीं लगता, हमें रात होते होते वापस पहुंचना है घर पे। ओके गाइस, टेक केयर। ओके गाइस, तो अब हम
सड़क के पास पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रास्ता है। तो हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया था। तो अगर हम सड़क के पास पहुंच गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो बाकी जो मेरी टीम है वो सब आगे की तरफ जा रही है, और ये सड़क काफ़ी खुली है, आप देख सकते हो। बहुत प्यारी सी फॉरेस्ट ट्रेल है ये। ये फॉरेस्ट ट्रेल बहुत पहले, बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के टाइम जो यहाँ पर ब्रिटिश थे वो इस ट्रेल का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हर जगह फॉरेस्ट में बीच बीच में छोटे छोटे गेस्ट हाउस बना रखे थे, और ये अपने घोड़ों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी मेरी टीम इधर ही है, देखिए। और बहुत ही प्यारा दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा। ओके, तो अब हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। अगर आपको यहाँ से तो नहीं दिखेगा, पर मैं थोड़ा ऊपर चल के मैं आपको दिखा दूँगा कि वो गेस्ट हाउस कहाँ है। पर मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे हल्का सा गेस्ट हाउस की छवि, पर शायद आपको भी दिखाई दे। बस हमने अब इस रोड को फॉलो करके करते जाना है, और हम सीधे आपको एक और ट्रेल दिखाता हूँ। इस तरफ को भी एक और ट्रेल है। अगर मैं इस ट्रेल में जाऊँ तो इस ट्रेल से हम सीधा मलकोई पहुँच जाएंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, याद है। तो वैसे तो एक शॉर्टकट रास्ता भी है वहाँ जाने के लिए,
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता बंद है, तो हमें अब बाय रोड ही जाना पड़ेगा। ओके क्वीन, हम बाय रोड जाएंगे और चलते जाएंगे। ओके गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, मेरी कज़न ऊपर से वेव कर रही थी, अब नहीं कर रही है। हाँ अब कर रही है। ओके पर हमें यहाँ से जाना है। तो एक बार ये था हमारा डेस्टिनेशन जहाँ पर हमने पहुँचना था, वन विश्राम गृह बछला। उसका एक बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं आपको वो बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। भी कोई है नाटी बार है। ये एड्रेस है। अगर आप देखिए तो इसमें बहुत सी चेंजिंग आ चुकी है। पहले और अब मैं इसमें काफ़ी इनोवेशन का वर्क किया गया है और के ये हम पहुंच चुके हैं। हम आपको थोड़ा झलक दिखा देते हैं। Sky. See you.
वेलकम बैक। तो इस वक्त हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में मैगी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब यहाँ पहुंचे थे तो हमने देखा कि अंदर ताले लगे थे, बंद है। तो हमने प्लान किया कि हम बाहर ही कुकिंग कर ले, तो हमारे पास मैगी, तो हम मैगी बनाते हैं। अब खाने वाले छोटा सा बॉन फायर किया है, बाकी सब मेरे कजन मैगी खाना दे रहे हैं, क्योंकि आप सुना ना मैगी के कई किस्से सुने होंगे, कोई पहाड़ी वाली मैगी, कोई चाय वाली मैगी, हम इसको कहेंगे बछला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वाली। मैं मैगी खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके, अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि रेस्ट हाउस बंद है। अभी जब हम आग का मज़ा ले रहे थे तो उस वक्त यहाँ के जो चौकीदार है वो आए, और अभी हमें वो अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। तो आइए हम अभी अंदर का नज़ारा।